If you want to be successful in today's highly competitive world with ever-expanding boundaries of knowledge, then you have to know the right thing at the right time and also make right use of it in right words. We all have our own bank of knowledge, some more than others. But what's the point of having the knowledge without knowing how to utilize that knowledge in a pronounced manner, in an optimized manner? It is like owning a harmonium without knowing how to play it. But the good news is that under proper guidance and practice, you can easily master that. Hello everyone, my name is Satendra Tiwari and I am here to decode the importance and relevance of one of the important topics for different competitive examination and for our life in general, and that topic is रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. हाँ जी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बचपन से पूछा जा रहा है, स्कूल के दिनों से पूछा जा रहा है, वहां पे खत्म नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज और आप पहुंच गए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की फील्ड में. चाहे ये SSC की प्रिपरेशन कर रहे हों, बैंकिंग की कर रहे हों, UPSC की कर रहे हों, कैट की कर रहे हों, GMAT की कर रहे हों, एवरीवेयर यू कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. Then it's a very logical question कि भाई RC में ऐसी क्या खास बात है कि examiner इस particular question type से question जरूर पूछते हैं. और अगर आप इन exams को analyze करो तो आपको ये भी समझ आएगा कि जैसे जैसे exam का difficulty level high होता है, वहां पे इस particular topic का weightage भी बढ़ता चला जाता है और साथ ही साथ इस topic की जो difficulty level है उसको भी वो increase करते हैं. जैसे स्कूल के दिनों में हमें unseen passages मिला करते थे, राजा रानी की कहानियां, ज्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन आप इजीली उनको आंसर कर पाते थे. लेकिन अब जब आप बड़े हो चुके हैं और इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को फेस करते हैं तो आपको पूछा जाता है व्हाट इज द सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑथर. एंड इन सवालों का जवाब उस पैसेज में किसी एक जगह पे नहीं है. सो इफ यू डोंट हैव द होलसम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, यू विल नॉट बी इन द पोजिशन टू आंसर दीज क्वेश्चन करेक्टली. लेकिन इन सारी चीजों के बारे में करेंगे बात बाद में. अभी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या साइकी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछने के पीछे, क्यों यहां से सवाल पूछे जाते हैं. क्योंकि इस एक क्वेश्चन टाइप के जरिए एग्जामिनर आपकी बहुत तरह की लाइफ स्किल्स को टेस्ट कर सकता है, जिन लाइफ स्किल्स का इस्तेमाल एक्चुअली आपको रियल लाइफ सिनेरियो में, जब आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी प्राइवेट सेक्टर में, एक ऑफिशियल के तौर पे, एक मैनेजर के तौर पे, एक लीडर के तौर पे काम कर रहे होंगे. तो आइए डिकोड करने की कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट को. देखो, एग्जामिनर सबसे पहले जो चेक करता है वो है आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी रीडिंग प्रोविस, आप कितना कंटेंट पढ़ पाते हो एक मिनट के अंदर. और वो कंटेंट भी अलग अलग तरह के बैकग्राउंड के लिए अलग अलग टाइम लगेगा. तो रीडिंग अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, कभी डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज क्रिटिकल रीडिंग, व्हाट इज पैसिव रीडिंग, व्हाट इज एक्टिव रीडिंग, कैसे इसको बेहतर करें. तो खैर, पहली स्किल सेट जो है वो है आपकी रीडिंग स्किल्स. जो दूसरी स्किल है वो है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ डेटा. क्योंकि आपने भी ये महसूस किया होगा कि कई बार कोई आर्टिकल रीड करने के बाद यू कैनॉट गारंटी कि वो बात आपको समझ भी आ गई है. समझ एक अगला स्टेप होता है. कई बार आपकी आंखों के सामने से आपने 7 sentences गुजार लिए, लेकिन शुरू के 3 sentences तो समझ में आए, बाद के 4 sentences समझ नहीं आए. आंखों ने तो पढ़ा बट दिमाग रजिस्टर नहीं कर पाया, यानी हमारी मेंटल स्टैमिना इतनी नहीं होती कि पढ़ने के फ्लो के साथ साथ हम उस बात को कॉम्प्रिहेंड कर लें. और अगर आपको बात वो समझ नहीं आई, आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, तो आप एनालाइज कैसे करोगे. तो जो अगली स्किल सेट एग्जामिनर टेस्ट करता है वो है हमारी एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस ऑफ डेटा. और अगर आप एनालिसिस करने की ताकत रखते हैं तभी आप सिलेक्शन ऑफ डेटा कर पाओगे कि इस पूरे आर्टिकल में से, इस पूरे पैराग्राफ में से, इस पूरे पैसेज में से मेरे लिए काम की बात क्या है और कौन सी ऐसी बात है जो मेरे लिए इररेलेवेंट है. फिर इररेलेवेंट बात को आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है. और जो रेलेवेंट बात है उसको आपको अप्लाई करना है एक प्रेशराइज सिचुएशन के अंदर. यू हैव टू टेक द डिसीजंस एंड फिर आप करेक्ट आंसर्स लेके आएंगे जो उन क्वेश्चंस में हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन होते हैं. तो क्या यही काम अपनी जिंदगी में आप नहीं कर रहे होते? ये काम बिल्कुल कर रहे होते हैं. जब आप एक ऑफिस में बैठे हैं, कोई रिपोर्ट या ड्राफ्ट आपके सामने है, यू हैव टू रीड दैट,
You have to understand that. Then you will have the ability to analyze that. Then you have to figure out the relevant section and you have to discard the irrelevant section. Then you have to apply that relevant data in a pressurized situation and get the profitable outcomes and results for your organization, for your company, for your department, for your project, whatsoever. तो ये इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप की. इसी एक क्वेश्चन टाइप से एग्जामिनर आपकी इतनी तरह की लाइफ स्किल्स को सेट जो है उनको टेस्ट कर पाते हैं. और एक खास बात ये भी है कि ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आप पहली बार कर रहे हैं, ये आप बचपन से करते आ रहे थे. हम जब बचपन में माता पिता के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, चाहे वो आप स्कूटर पे बैठे हो, बाइक पे बैठे हो, कार में बैठे हो, ऑटो में बैठे हो, रिक्शा में बैठे हो, जो बिल बोर्ड्स होते थे, साइन बोर्ड्स होते थे, हम उनको पढ़ते थे, समझने की कोशिश करते थे, एनालाइज करते थे, कनेक्शंस जोड़ने की कोशिश करते थे, ये लिखा है ना, वो लिखा है ना. ऐसे जब आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, काम की बात समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातों को आप सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी बातों को आप रिफ्यूट करते हैं. ये सब काम तो बचपन से करते हैं, हम आ रहे पूरी जिंदगी हमने करी है. आप कोई फिल्म देख रहे हो, वहां पे भी कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, कुछ डायलॉग्स होते हैं जो आप याद रख पाते हैं, वो आपको हमेशा याद रहते हैं. ऐसे ही कुछ गीत हैं, गाने, सॉन्ग्स हैं, उनके बोल आपको हमेशा याद रहते हैं. तो दिमाग काम की बात फिल्टर आउट कर लेता है. ये काम हम बहुत ही सटल तरीके से अननोइंगली पूरी जिंदगी करते आ रहे हैं, लेकिन यहां पे अब आपको थोड़ा अलर्ट होके करना है, तरीके से करना है और सिस्टमेटिक तरीके से करना है. और इसका रिजल्ट आपको सिर्फ एग्जाम को क्लियर करने में ही नहीं होगा, इन जनरल इन योर लाइफ यू विल बी डूइंग फैंटास्टिकली वेल. सो विद दिस आई एम रैपिंग अप दिस पर्टिकुलर सेशन. बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात शेयर करके, और अगर आपको भी अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से संबंधित और क्या क्या बातें आप जानना चाहते हैं. अगले एडिशन में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन किन सोर्सेज से और कैसे पढ़ करके आप अपनी रीडिंग स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं. इस सेशन में कुछ अच्छा लगा हो सेशन को लाइक कीजिएगा और प्लीज अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. मिलते हैं अगले सेशन में. थैंक यू वेरी मच.